धन्यवाद देना चाहूँगी। पहला धन्यवाद हमारी कलेक्टर साहब को, टीना जी को, और दूसरा धन्यवाद जोगेंद्र जी और राजेंद्र जी को। हमने देखा कि एक सड़क आपने गोद में ली कुछ ही घंटों में, 24 घंटों में दिन रात पूरी मेहनत करके आप दोनों भाई खड़े करके कराए, और ये उसके बाद बीड़ा उठाया सर्किल का और 5 दिनों में इसको तैयार करवा लिया। कैसे ये सारा मैनेजमेंट होता है ये दूसरे भामा साहब भी जानना चाहेंगे कि हम लोग भी इस टाइप से। जितना साफ आज बाड़मेर को देखो, हर कोई बात कर रहा है कि आपका बाड़मेर इतना साफ लग रहा है, तो सबको खुशी होती है कि आप गर्व होता है कि हमारा बाड़मेर इतना साफ हो रहा है। आज पूरे बाड़मेर की, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी उत्तरी भारत में तारीफ की जा रही है, और उसका कारण है बाड़मेर के युवा जिला कलेक्टर, बाड़मेर के युवा विधायक और बाड़मेर के युवा भामाशाह। और यही कारण है कि आज पूरा बाड़मेर को चमकाने में लग गए हैं। अभी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोग बाड़मेर के अहिंसा सर्किल पर हैं, और जो पिछले कई सालों से इस प्रकार की यहाँ पर ऐसी स्थिति थी उसको कुछ ही दिनों में एक बीड़ा उठाकर ठीक करवाया, और आज थोड़ी देर पहले इसका उद्घाटन किया गया। बाड़मेर के विधायक यहाँ पर पहुँचे, कलेक्टर पहुँचे और तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँचे, और आज हर कोई यही कह रहा है कि बाड़मेर अब हमारा सुंदर होगा। विधायक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई बाड़मेर की जनता की ओर से कि बाड़मेर अब चमक रहा है, क्या कहेंगे आप? आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। पहला धन्यवाद हमारी कलेक्टर साहब को, टीना जी को, और दूसरा धन्यवाद जोगेंद्र जी और राजेंद्र जी को, क्योंकि आज ये जो आप कायाकल्प देख रहे हैं इस अहिंसा सर्किल का, बहुप्रतीक्षित था। गांधी जी की मूर्ति ये बिल्कुल अपेक्षित थी कि भाई यहाँ पर जो एक गंदगी रहती थी, सूखी पत्तियाँ रहती थी, हालांकि ये सर्किल एकदम रेलवे स्टेशन के सामने है, तो जो भी रेलवे स्टेशन से सामने निकलते ही देखता है तो एक बाड़मेर की तस्वीर कैसी बनती होगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज के दिन जोगेंद्र जी को, राजेंद्र जी को, और आज के दिन मुझे याद आ रहे हैं स्वर्गीय धन सिंह जी चौहान साहब, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज वो जहाँ पर भी हैं बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी जब भी भामाशाह के रूप में जहाँ जहाँ काम करने की ज़रूरत थी उन्होंने किया, बाड़मेर में बहुत अच्छे काम किए। आज उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए जोगेंद्र जी और राजेंद्र जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज उनको मैं मानती हूँ बहुत खुश होंगे। और ये जो चौराया, इतना मैंने देखा कि पिछले 5 दिन में लगातार काम चला है यहाँ पर, रात और दिन काम चला है, एक भी मजदूर मुझे नहीं लगता कि रात को भी सोया होगा, संभव नहीं होगा 5 दिन में इतना। देखिए, इससे पता चलता है कि अगर करना चाहे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बस मन में संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये करना है, और वही संकल्प वही शक्ति आप इन दोनों भाइयों की देखिए, और इसीलिए आज ये परिणाम हमारे सामने है। तो बहुत खुश हूँ बाड़मेर में ये जो एक अच्छा सुखद बदलाव है, कौन सोच सकता है कि ये पानी का यहाँ जो फाउंटेन है बाड़मेर जैसे शहर में, जिसको जाना जाता है कि काला पानी की सज़ा दी गई, वहाँ बाड़मेर के शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन से उतरते ही जो भी देखेगा कि पानी का फव्वारा है, गांधी जी की मूर्ति इतनी रोशन हो रही है, तो निश्चित रूप से बाड़मेर की तस्वीर बदली है, और इसके लिए जितना धन्यवाद दें कम है। कल गांधी जयंती है और बाड़मेर का नवो बाड़मेर जो अभियान है वो हर बाड़मेर के नागरिक के लिए अभियान बन चुका है, इसमें आप अपनी ओर से क्या अपील बाड़मेर शहर की जनता से और आसपास की जनता से करने चाहेंगे ताकि बाड़मेर स्वच्छ रहे? देखिए, ये नवो बाड़मेर जो अभियान है ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहला जो एक नारा दिया था स्वच्छता का दिया था, और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनसे प्रेरणा लेकर ये जो अभियान शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से ही स्वच्छता को लेकर तरह तरह के अभियान किए गए, सभी को प्रोत्साहन भी किया गया कि भाई आप ऐसा डस्टबिन रखिए, सफाई रखिए, लेकिन निश्चित रूप से पिछले एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके से बाड़मेर के हर व्यक्ति ने, दुकानदार ने, हर गृहिणी ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो बाड़मेर की बदली हुई तस्वीर नज़र आ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब महिला शक्ति के हाथ में आप बागडोर संभालते हैं, देते हैं, तो निश्चित रूप से बदलाव दिखता है, और वो बदलाव आपको दिख रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में और अच्छा काम करके दिखाएंगे, आपको भरोसा दिलाते हैं। यही बाड़मेर की जनता आपसे उम्मीद करती है। और अभी शायद बामा साहब जोगेंद्र सिंह जी हैं, और उनसे पहले मैं राजेंद्र सिंह से एक बात, सर पूरी जनता हमेशा चाहती है कि एक बार तो बिल्कुल आप देखिए कि बस यही इनकी खासियत है कि हमेशा। स्वर्गीय धन सिंह जी का भी यही था
कि वो काम करते थे, नेकी करते थे, लेकिन कभी भी उनको जब मंच पे बुलाते थे वो नहीं आते थे। तो हमने कितने ही कार्यक्रम किए, हम उनको कहते थे कि आइए मंच पर बैठिए, तो वो मंच पर कुर्सी नहीं लेते थे, वो कहते थे नहीं काम मैं करूँगा लेकिन बैठूँगा सामने। और आज वही आप देखिए, मैं बुला रही हूँ राजेंद्र जी आइए तो भी पीछे खिसक रहे हैं, जोगेंद्र जी भी पीछे खिसक रहे हैं, और इनके परिवार से क्या नाम दुष्यंत जी ये भी नहीं आ रहे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप काम करते हैं लेकिन फोटो में आने के लिए नहीं, वाकई काम करने के लिए करते हैं। निश्चित तौर पर जोगेंद्र सिंह जी, हालांकि बहुत मुश्किल से आपसे बात करने का मौका मिलता है, बोलते नहीं है। सर, हमने देखा कि एक सड़क आपने गोद में ली कुछ ही घंटों में, 24 घंटों में दिन रात पूरी मेहनत करके आप दोनों भाई खड़े रह करके कराए, और ये उसके बाद बीड़ा उठाया सर्किल का और 5 दिनों में इसको तैयार करवा लिया, कैसे ही सारा मैनेजमेंट होता है ये दूसरे भामा साहब ही जानना चाहेंगे कि हम लोग भी इस टाइप से करें। नहीं, हमारी पूरी टीम है, टीम वर्क का काम था, अलग अलग प्लानिंग करके हमारा जो आर्किटेक्ट और सब जो प्लानिंग थी, तो प्लानिंग के दिन रात 20 घंटे डेली काम चलता था, और उसमें जैसे कल 2 अक्टूबर था तो करना ही था, उसी हिसाब से आज हमने इसका इनॉग्रेशन करके कंप्लीट किया है। सर, अभी जिस तरीके से पूरा बाड़मेर शहर एक तरीके से साफ और सुंदर नज़र आ रहा है, तो क्या बाड़मेर की जनता से आपकी तौर पर, जैसे आप लोग सहयोग कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी ओर से डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है, कोई सब गंदगी नहीं बिखरे, तो क्या सर अपील करेंगे आप? हर किसी को अपना सहयोग देना चाहिए, आप अपने आसपास सफाई रखें जितना साफ। आज बाड़मेर को देखो, हर कोई बात कर रहा है कि आपका बाड़मेर इतना साफ लग रहा है, तो सबको खुशी होती है कि आप गर्व होता है कि हमारा बाड़मेर इतना साफ हो रहा है। निश्चित तौर पर आज पूरे बाड़मेर को गर्व, बाड़मेर के जिला प्रशासन, बाड़मेर के विधायक और बाड़मेर के तमाम भामाशाहों पर है। और अगर हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को यहाँ देख रहे हैं, अगर बाड़मेर, नव बाड़मेर आपको पसंद हो, एक बार इन भामाशाहों के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि आज पूरे बाड़मेर की तारीफ पूरे देश भर में हो रही है। धन्यवाद।